बेहतरीन। चलिए हम वेज बिरयानी बनाते हैं। उसके लिए मैंने इधर प्याज को फ्राई कर ली हूँ। अब इसमें हम खड़ा मसाला डालकर सारे को हम इसमें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके सारे निकाल लेंगे। थोड़ा सा हल्दी इसमें डालेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर और मिर्च पाउडर। इसी दौरान थोड़ा सा टमाटर को हम मिक्सी जार में पीस लिए, उसको डालकर इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद इसी में चावल डालकर थोड़ा सा फ्राई करके, और जितना चावल लिए हैं उससे अगर एक गिलास चावल है तो आप डेढ़ गिलास पानी डालिए। अब इसी दौरान हम चावल डाल के दो मिनट भून लेंगे। और ये जो मैं पनीर फाड़ी हूँ वही पानी इसमें ऐड कर दी हूँ, और सारी इसमें से इसमें डालकर बस सिर्फ एक सीटी लगा दूँगी। जिस तरह से आप चावल आपका बनता है कुकर में उस तरह से लगाना है, और थोड़ा सीटी का इसका प्रेशर निकाल देना है। और चावल को इधर धोकर रख लीजिए। आज चावल बिना फुलाए हूँ, तुरंत धोई हूँ, तुरंत डाल देंगे। चावल का खुशबू बहुत अच्छा होता है। घी मसाला बिरयानी स्पाइसी होता है, खाने में इसमें सब्जी उब्जी का कोई जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा सब्जी का शौकीन है तो इसमें आप रायता घी वाला या प्याज वाला बना सकते हैं। आप इसी में भी बना पका सकते हैं, लेकिन मैं कुकर में बना रही हूँ। अब इसको ये जो पनीर वाला पानी है और ऊपर से मैं मेरा चावल बस फुल आंच में एक सीटी लगा देना। खुशबू से पूरा किचन भरा हुआ है चावल का और गरम मसाला का।